तो ऑल राइट हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, और आप सबके लिए मैं एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, और जिसमें ये मैंने ट्यूटोरियल क्रिएट कर रखा और इसके ऊपर बात होगी कि हर चीज़ मैंने कैसे क्रिएट करी थी। फोटो की बात होगी, ये टेम्पलेट की नहीं होगी। अभी टेम्पलेट जस्ट मैंने अपने प्रमोशन के लिए क्रिएट कर रखा था कि हर वीडियोस के स्टार्ट में एंड में जब कन्वर्सेशन में करता हूँ थोड़ी सी, तो उस बीच इसे रखना ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। सो ये चीज़ें हैं बतानी है, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सारी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहाँ से आप सारी PNG PST जो भी होती हैं सब मिल जाएंगी वहाँ। मैं पहले PST डालता था, लेकिन अब PST 2-2.5 GB तक चली जाती है, तो PST तो पोस्ट करना पॉसिबल नहीं है। और मैं PNGs डाल देता हूँ हर चीज़ की, कि आपको क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और वे भी बताता हूँ मैं आपको कि कैसे आपने यूज़ करनी है इन चीज़ों को, और कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो होपफुली आपको सब समझ में आता होगा, और कमेंट ज़रूर पढ़ता रहता हूँ, आप ज़रूर करें कमेंट। मैं हर कमेंट को देखता हूँ, और स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के साथ। तो यहाँ ये सबसे पहले, अगर किसी को रूलर हाइड करना ना आता हो तो इसे बोलते हैं कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये हट जाएगा, और कंट्रोल आर दबाएंगे तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, एक टिप है। और तो सबसे पहले यहाँ मैंने जो कंसेप्ट रखा था, वो रखा था कि मेरे को अपने बॉडी पे ग्लोइंग लोगो चाहिए था, तो लाइट रूम का चाहिए था मुझे, लाइट रूम जस्ट लाइक लाइट। मैंने जस्ट यही कंसेप्ट रखा था, और कुछ नहीं रखा था। और यहाँ एक छोटी सी थ्योरी टाइप सी है फोटो में, वो है कि पीछे फायर वर्क्स हो रहे हैं, ग्लो हो रहा है, नीली लाइट फायर वर्क हो रहा है, तो यहाँ से लाइट एमिट हो रही है और ये बाहर जाने की कोशिश कर रही है। जस्ट एक थोड़ी सी स्टोरी लाइन जो मैंने अपने फ़ोटो के लिए खुद सोची हो, तो इससे मुझे वर्क करने में इजी रहता है। और सारे स्टेप ब्रेक डाउन होएंगे आज, और हर चीज़ बताया जाएगा कि कैसे क्या क्या अचीव होता है और कैसे आप अचीव कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल फुल फ्लैश्ड है, और इतने दिन बाद मेरा अकाउंट खुला है, और ये सबसे पहली पोस्टिंग है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। होपफुली आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एंगेजमेंट बिल्कुल डाउन हो गई है। मैं नहीं चाहता कि चैनल अब बंद होने के उस पर आ जाए, तो होपफुली आप सब सपोर्ट करें। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कट डाउन कर रखा है अपने आप को, कट डाउन ईजली कर रखा है। घर में फ़ोटो खींची थी नीचे वाले फ्लोर पे, और यहाँ से हर चीज़ कट कर रही है। कट करने का मैंने ट्यूटोरियल डाल रखा है, हेयर कटिंग ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं, सेम चीज़ें यहीं यूज़ होती हैं। तो हेयर कटिंग का ट्यूटोरियल चैनल पे आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ को आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वही तरीका हर जगह लगेगा, कहीं स्पेशल तरीका नहीं है। ठीक है, मैं भी वैसे ही करता हूँ हर जगह। उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट ये समझाने के लिए रखा था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैंने बैकग्राउंड करा, और बैकग्राउंड में कुछ चेंज नहीं है, सेम मैंने अनस्प्लैश से लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसे PNG रीनेम कर देता हूँ, कहीं कॉपीराइट का इश्यू पड़े। ठीक है, तो यहाँ BG है, ये अनस्प्लैश से लिया हुआ है मैंने, जस्ट और कुछ नहीं है यहाँ पे। और फिर यहाँ सीक्रेट कोड डाला है मैंने हल्का सा, दिख गया होगा जिसे तो दिख गया होगा, नहीं दिखा तो नहीं दिखा, जस्ट छोड़ दो, और कोई ज़्यादा DM वीएम करके ना पूछे ये चीज़। ठीक है, चेयर भी पुरानी हो गई, चेयर भी नई लेके आनी पड़ेगी। जस्ट सबसे पहले मैंने अपने आप को इंसर्ट कर दिया PNG में, और यहाँ होपफुली जो बैकग्राउंड था वो मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहा था कि लाइट इधर से ही पड़ रही थी ना कि इधर से, तो मैंने वही बैकग्राउंड सेलेक्ट कराया जिसमें लाइट इधर से पड़ रही हो। तो जस्ट एक कोइंसिडेंस होता है कि आपको ऐसा एक बैकग्राउंड मिल जाए, यहाँ मुझे मिल गया था। मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी यहाँ लाइट के ऊपर, और यहाँ पे मेरे पे पहले से एडिशनल ग्लो आ गया है, तो ये फोटो रियलिज्म में तो अचीव हो गई पहले ही फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद मैंने कलर लुकअप डाला, और यहाँ नाइट फ्रॉम डे कर रखा है मैंने, जस्ट सिंपल, जो हर फोटो वीडियो कुछ भी हो
वहाँ यही रहता है मेरा कलर लुकअप, ठीक है। और ओपेसिटी मैंने कर रखी है 57% की, क्यों, अगर ज़्यादा करूँगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो एक नॉमिनल पॉइंट होएगा जहाँ पे आपने देखना होगा कि यहाँ पे मेरे को सही से एक वो मिलेगा एरिया की, हाँ इतना है और मेरे को सारी चीज़ें विजिबल हैं, तो वो एक ओपेसिटी का आपको पॉइंट चुनना होता है जहाँ आपको सारी चीज़ें विजिबल हो जाए। और फिर आप ब्रश लेके, यहाँ से ब्रश लेंगे, ब्लैक कलर लेंगे क्योंकि यहाँ मास्क वाइट का है, और फिर आप जो जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको लगता है कि जैसे मुझे यहाँ से इरेज करना देना चाहिए, यहाँ से कर देना चाहिए, तो वहाँ वहाँ से आप इरेज कर दीजिए उसको, ठीक है। और अगर गलती से आपसे दोबारा से करना होता है तो एक्सप्रेस करेंगे तो वो वाइट में चेंज हो जाएगा, और फिर जब आप पेंट करेंगे वहाँ पे तो आप देख सकते हैं वो वापस से वहाँ वो कलर लुकअप आ गया है, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे आप, और ये बहुत ही इजी स्टेप्स थे। फिर उसके बाद मैंने ह्यूज एंड सेचुरेशन यूज़ कर रखे। ह्यूज सेचुरेशन मैंने यहाँ क्यों यूज़ कर रखी है, थोड़ी सी लाइटनेस मेरे को कम ज़्यादा करनी थी बस। तो लाइटनेस कम ज़्यादा का यहाँ क्या रोल है, लाइटनेस कम ज़्यादा का यहाँ ये रोल है कि एक हल्का सा पुश और ब्राइट मिलता है सारे आरजीबी पॉइंट्स में। जो आपका एचएसएल एडजस्टमेंट होती है वो आपके सारे पॉइंट्स पे वर्क करती है, मतलब जितने भी यहाँ कलर डॉट्स होंगे उन सब की लाइटनेस घटाएगा और इक्वली अमाउंट में घटाएगा, कोई भी सेपरेट नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, वो सबको घटाएगा और बढ़ाएगा। तो HSL से इंक्रीज करना बेटर रहता है, रेदर कर्व से आप करें, ठीक है। हर चीज़ डाउन करिए एक पॉइंट, और उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ ऐड कर रखा है LR का लोगो, ठीक है। अब यहाँ से ही हर किसी की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, यार एकदम से ही ग्लो कैसे कर गया ये हर चीज़। तो मैं हर चीज़ को डाउन कर देता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ एक चीज़ से। तो यहाँ ये सबसे पहले PNG थी सिंपल, सो यहाँ सबसे पहले PNG थी और ये ब्लैक कलर की PNG है, अगर किसी को दिख जाए तो। यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये इसके LR लोगो दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर की PNG थी, तो जस्ट अब शो करने के लिए तो मेरे को कलर ओवरले डालना होगा, तो कलर ओवरले मैंने वाइट कलर का डाला था यहाँ पे सिंपल, और कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। उसके बाद इनर ग्लो डाला था मैंने, इनर ग्लो उसे बोलते हैं, मतलब अंदर की साइड ग्लो जितना भी रहेगा ऐसे समझिए कि ये देखिए एजेस पे रखना है ग्लो, इनसाइड पूरा रखना है या बाहर बाहर रखना है, तो मैंने पूरा रखा था, ठीक है। तो इनर ग्लो मैंने रखा था कुछ 87 का, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला था यहाँ से आउटर ग्लो, और आउटर ग्लो मैंने कुछ स्प्रेड ज़्यादा नहीं करा था क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है तो स्प्रेड लो रखा, लेकिन साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, तो इतना इंक्रीज़ कर दिया कि ऐसे लगे वो फेडेड फेडेड कलर टाइप वहाँ पे स्प्रेड हुआ है। तो इससे मुझे एक बहुत अच्छा इफेक्ट अचीव हुआ। और ब्लेंडिंग मोड अपने स्क्रीन रखने नॉर्मल रखेंगे तो कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन स्क्रीन परफेक्ट रहता है, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं, आपको सेम सेटिंग कॉपी करनी है इन तीनों की, कोई भी कलर आपने ग्लो करना हो। उसके बाद हाँ, यहाँ मैंने हैंड पे पेंट कर रखा है, जो सेम यहाँ पे कलर लिया था मैंने, ठीक है, उसी कलर को मैंने यहाँ पे पेंट कर रखा और ब्लेंडिंग मोड कलर कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर ऐसे रखूँगा तो सिंपल ये रहेगा, और ब्लेंडिंग मोड अगर मैंने कलर कर दिया तो ब्लैक पे इफेक्ट नहीं करता, वो जो भी लाइट पार्ट होते हैं उन पे इफेक्ट करता है। तो कलर ब्लेंडिंग मोड का ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे, ठीक है। तो और मैंने ओपेसिटी भी लो कर दी क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही लीक आउट हो रही थी, तो इतना चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ थोड़े से ये रिम लाइट पेंट कर रखी है, तो रिम लाइट के ऊपर मैंने एक लॉकडाउन 21 का बना रखा है, बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है वो, 14 मिनट्स का है शायद। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से पूरी एक एक रिम लाइट ड्रॉ कर रखी है, तो वो आप ज़रूर देखें, रिम लाइट ड्राइंग वहाँ परफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने चिन लाइट पेंट करी थी, चिन लाइट पेंटिंग यहाँ थोड़ी सी मुश्किल थी, तो चिन लाइट पेंटिंग को मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि
यहाँ कैसे दो पार्ट्स में मैंने अचीव करी है। ठीक है, तो दो पार्ट्स में कुछ ऐसे अचीव होती है कि आप एक न्यू लेयर बनाएं ब्रश, और फिर यहाँ सिंपल सा लें, और फिर स्ट्रोक्स ऐसे जाएंगे आपके। तो स्ट्रोक्स आप पहले यहाँ से ना चालू करें, यहाँ से करें। ठीक है, जब ऐसे चिन लाइट आपको सही से पेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद आपने इरेजर की ब्रश को बहुत छोटा करना है, इरेजर को, और फिर यहाँ से हल्का हल्का फेड कर देना है हर चीज़ को। ठीक है, तो ये अच्छे से आपकी चिन लाइट ब्लेंड हो जाएगी, और फिर उसके बाद पेन टूल लेके आपने उसकी ओपेसिटी को कर देना है इतना कम, 5, और फिर धीरे 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 जहाँ आपको लगता है कि हाँ मेरे को यहाँ लाइट पेंट करनी है, यहाँ करनी है, तो वहाँ आप पेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से अंडरलाइन लेयर सेपरेट करनी है, तो वो अच्छे से वहाँ ब्लेंड हो जाएगी। आप देख सकते हो चिन लाइट कितनी परफेक्ट दिख रही है। ठीक है, तो ये चिन लाइट परफेक्ट हो गई है। तो यही चीज़ थी यहाँ पे फेस में, और 10 फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया था इस एरिया और इस एरिया में। ठीक है, उसके बाद मैंने फिंगर्स पे भी ग्लो करा है, सेम तरीका, कोई अलग नहीं है। और फिर इधर भी करा है मैंने सेम पेंट। आप लॉकडाउन 21 देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा सारी रिम लाइट कैसे ये वाली ड्रॉ होती है। और फिर इधर भी पेंट कर रखा है मैंने, और जस्ट एक मेन ग्लो दिया है यहाँ पे। अब मेन ग्लो कैसे आया, मेन ग्लो ही मेन होता है भाई, ये आप चीज़ समझो। तो यहाँ पे जो भी कलर होता है, जैसे ये है, और ब्रश बड़ा कर लें, फिर ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल सेट आके आपको बस कलर पे कर देना है। ठीक है, और ओपेसिटी इंक्रीज 100, तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना प्यारा कलर आ गया है। ठीक है, तो यही है, और कुछ ब्लेंडिंग मोड के ही खेल होते हैं कलर ग्लो में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इतना पार्ट ग्लो हो चुका है जो हमने करा है अभी तक। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, और वो है फ़ोन में रिप्लेसमेंट, मतलब फ़ोन की मैंने अपनी डिस्प्ले भी बदली थी, कि आप देख सकते हैं कि सेल्फ टाइमर टाइप यूज़ करता हूँ मैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो यहाँ जस्ट कुछ नहीं था, ये PNG थी कहीं की, ऐसे ग्लिच की, तो मैंने उसी को कट करके उतना पार्ट में, और फिर ब्लैक थोड़े आउटर एजेस पे पेंट कर दिया, और वो ग्लिच लग रहा है परफेक्ट। उसके बाद ये ग्लो है, इसे इसकी आप PNG ही यूज़ करें, इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट इसे बनाने में जस्ट एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जस्ट मैं बता देता हूँ तब भी आपको कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें कैसे बनाएंगे आप। तो जस्ट यहाँ हाँ कुछ ऐसे रखना, जब फिर आपके हो जाए तो यहाँ इरेजर पे आना है, और आपने इरेजर की ओपेसिटी लो करनी है, और जस्ट बीच बीच में से से इरेजिंग लेके जानी है, और ओपेसिटी थोड़ी कभी कभी फुल करके, और बीच बीच में से कट्स मारने, और फिर दोबारा पेन टूल लेना है, फिर बीच में से करना है आपने ऐसे पेंट, वैरी करनी है ओपेसिटी। ठीक है, जब आप ओपेसिटी वैरी करेंगे तो फिर बीच बीच में एक
अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे ऐसे ये सिंपल सिंपल चीज़ें करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने कलर को भी चेंज करते रहें बारी बारी, और जस्ट ऐसे ही अचीव होगा। और फिर धीरे धीरे करना है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत टाइम लगाया था, अराउंड मेरे को 45 से 50 मिनट लग गए थे जस्ट इतना ड्रॉ करने में। सो आप समझ सकते हो वो टीडीएस वर्क है कुछ ज़्यादा। तो इसकी मैं PNG शेयर कर दूंगा, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो जस्ट वही एक तरीका है ऐसे सिंपल सिंपल स्ट्रोक से। तो कब भी आ सकते हैं आपके, मतलब बाय चांस कभी कभी निकल जाएंगे ऐसे स्ट्रोक, लेकिन ड्रॉ करने थोड़े से मुश्किल होते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा ग्लो डाला है, वो है हार्ड लाइट का। और हार्ड लाइट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये कंट्रास्ट क्रिएट करने में काम आती है। विविड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हार्ड परफेक्ट रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने डस्ट पार्टिकल्स डाले थे छोटे छोटे, तो ये कुछ है नहीं, आपको नेट पे भी PNG मिल जाएगी। और फिर थोड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स डाले थे मैंने यहाँ पे। और फिर जस्ट उसके बाद जो मैं कैलेंस क्लाउड का XMP यूज़ करता हूँ, ग्रुप में है वो, बहुत सारी जिप्स में भी है और अलग से है अवेलेबल भी है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। और वही सेम प्रीसेट डाले हैं, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छे कलर अचीव हो गए हैं मुझे। उसके बाद थोड़ा मैंने यहाँ ओवरले कर दिया है ब्रश, और शाइन डाला है वाइट ब्रश से। तो मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे वाइट ब्रश से जब आप पेंट करेंगे तो शाइन आ जाएगा, ठीक है। तो जितना आपको पसंद हो उतना ही शाइन डालें, तो मैंने उतना ही डाला है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कर्व्स डाल के थोड़ी सी ग्लो करी है, क्योंकि यहाँ पे मैट कलर आ रहा था, आप देख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक नहीं लग रहा है, मैट लग रहा है। तो मैट कलर को भी मैंने रिमूव करा था। और उसके बाद मैंने यहाँ अपना लोगो डाला है, और जस्ट यहाँ पे थोड़े स्काई शॉट्स बाहर डाले हैं, सिंपल है स्काई शॉट्स, कुछ नहीं है, PNG है, ठीक है। और फिर ब्राइटनेस डाली है मैंने बहुत सारी भर के, और फिर यहाँ थोड़ा सा लाइट कर दो। और यहाँ मेरे पे इमेज ये रेडी हो गई है, जस्ट इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। अगर आपको पसंद में आया हो ट्यूटोरियल, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे बाकी ट्यूटोरियल्स भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रखी हैं और आपके बहुत काम भी आएंगी। सो थैंक यू गाइज, आपने मेरे ट्यूटोरियल को यहाँ तक वॉच करा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें मेरे चैनल को। जो हर चीज़ की रीत होती है, 8,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से कर दीजिए इस चैनल पर 8,000 सब्सक्राइबर्स।